हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी SSC की तरफ से कांस्टेबल GD के लिए ना फॉर्म आउट हो चुका है। मतलब कि 26,136 सीट, मतलब बम्पर नंबर की वैकेंसी आउट हो चुकी है हम सभी के बीच। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब कि कंप्लीट डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस हो, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते थे, SSC GD के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, SSC के अंदर कॉन्स्टेबल GD की न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 26,146, मतलब 26,146 सीट मेल कैंडिडेट के लिए, 23,347 सीट और फीमेल के लिए 2799, मतलब 2799 सीट है फीमेल के लिए, 23,347 मेल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सब सीट को बटालियन वाइज मेल और फीमेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और टोटल कितना है। फर्स्ट जो आपका बटालियन है CRPF, इसके लिए मेल कैंडिडेट 3266 सीट, फीमेल के लिए 71, ओवरऑल सीट देखें तो 3337 सीट्स रखी गई है। BSF के लिए 5211 सीट मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल्स के लिए 963, ओवरऑल सीट 6174। CISF के लिए मेल कैंडिडेट का 9913 सीट, फीमेल के लिए 1112 सीट। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 11025 ओवरऑल CISF के लिए सीट रखा गया। SSB का 593 है मेल के लिए, 42 फीमेल के लिए, 635 ओवरऑल टोटल सीट आपको SSB का रहने वाला है। ITBP में मेल कैंडिडेट के लिए 2694 सीट, फीमेल के लिए 495 और टोटल देखें तो 3189 सीट्स यहाँ पर रखी गई है। असम राइफल में 1448 सीट फॉर मेल कैंडिडेट, 42 सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 1419 सीट्स आपको ओवरऑल असम राइफल्स के यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। SSF के अंदर 222 सीट्स फॉर मेल कैंडिडेट एंड 74 सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो ओवरऑल SSF के लिए 296 सीट रखा गया। तो अभी हमने देख लिया कि 26,146 सीट्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई की जो डेट है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस डेट के लिए। तो आपका फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्टेड है 24 नवंबर 2023 से। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 दिसंबर 2023 रहने वाला है। आपको 31 दिसंबर का वेट नहीं करना है कि 31 दिसंबर तक टाइम है तो अभी आराम से बैठे हैं करेंगे फॉर्म अप्लाई। नहीं, अगर अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द कर दो, बाद में सर्वर इशू फेस करना होता है तो आप उसी में परेशान रह जाओगे। चलो आगे मैं बता देती हूँ, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या आपको लगने वाला है। जनरल OBC और EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज। वहीं पे अदर जो भी कैंडिडेट है, SC ST, आपको फीमेल कैंडिडेट, सबसे ना कोई फी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। रही बात की एज की लिमिट क्या रहने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते कि कब से कैलकुलेट होगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 23, 18 से 23 साल वाले जो भी कैंडिडेट होंगे सब अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्लियरली जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मेंशन किया गया है कि बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2006, मतलब कि इस डेट से इस डेट के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर जैसा आपको पता है रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का, तो उस प्रकार से उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने में।
आगे बता दूं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, सिंपली 10th पास आउट कैंडिडेट, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10th में क्या परसेंटेज है, कुछ भी आप अगर पास आउट हो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम की डेट भी साथ ही साथ अनाउंस कर दी गई है, काफी टाइम पहले भी बताया था मैंने आपको कि फरवरी से मार्च 2024 में आपका पेपर होगा, तो कब से स्टार्ट होगा, 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको 20 फरवरी नहीं सोच के चलना है, फरवरी सोच के चलो कि तब तक आपका जो है सब अच्छा से सिलेबस वगैरह कवर हो जाए, टेस्ट सीरीज लगाओ आप, मॉडल पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बनाते रहो, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम फरवरी में है तो जनवरी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर उस समय आप उतना कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे और अभी उतना समय बचा भी नहीं है, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करो। चलिए आगे मैं बता देती हूँ सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या, ऑनलाइन CVT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाती है, उसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हो देन क्या होता है आपका फिजिकल होता है, आपके शारीरिक क्षमता और माप की परीक्षण की जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपको DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। पर ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ऑनलाइन CVT, मतलब ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होता है, हम लोग पहले उसकी पैटर्न को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं 160 मार्क्स के लिए, समय कितना मिलता है 1 आवर, 60 मिनट का टाइम रहता है, निगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब कि 0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। चलिए सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, GK एंड CA मतलब जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी या इंग्लिश मतलब दोनों में से जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। तो जब आप एग्जाम की पैटर्न आई होप समझ गए होंगे कि 80 क्वेश्चन 160 मार्क, टाइम 1 आवर, निगेटिव मार्किंग भी है तो सावधानी पूर्वक पेपर देना है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे ना तो आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल की भी तैयारी आपको लगे हाथों अभी से ही स्टार्ट करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपका PST होता है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपके शरीर की जो माप होती है ना वो, मतलब जैसे यहाँ पर हाइट हुआ तो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए ST कैंडिडेट्स का है 162.5 सेंटीमीटर एंड अदर जो भी है जनरल OBC WS SC आपका यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ST का है मिनिमम 150 सेंटीमीटर एंड अदर कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो माप होती है ST कैंडिडेट के लिए 76-80 सेंटीमीटर, अदर्स के लिए 80-85 सेंटीमीटर, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट चेस्ट की मेजरमेंट होती है। उसके बाद होती है आपकी PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है जिसमें आपकी रनिंग की टेस्ट की जाती है। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसको 24 मिनट में उनको कंप्लीट करना होता है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि उनको 8.5 मतलब 8.5 मिनट में उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो जब आप फिजिकल करते हो तो आपका होता है मेडिकल, उसके बाद DV, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगा मैं बता देती हूँ, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 21,700 रुपीज पर मंथ की आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस, हर साल आपकी इंक्रीमेंट भी होती है तो आपकी जो पर मंथ की सैलरी हो जाती है 69,100 रुपीज पर महीने आपको सैलरी दी जाती है। सो ये तो हो गया कि आपका जो भी होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, तो आप जिस बटालियन के अंदर, अगर आप मान लीजिए कि आप CISF या CRPF के लिए करते हैं तो उसका जो कट ऑफ होगा वो पार करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर CRPF के तहत आपको जहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दी जाएगी आपको वहाँ पर जाके कंट्री को सर्व करना पड़ सकता है।
सेकेंड थिंग कि आप सोच रहे होंगे कि आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला है, तो ये एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा ना। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम आपको तीन ऑप्शन देने होते हैं कि आप अपने नियर बाय सिटी या फिर आपको जहाँ भी एग्जाम देने जाना है, तीन सेंटर आप अपने चॉइस के चूज कर सकते हो, उसी शहर में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। सो आई होप कि सारा कुछ आपको डिटेल वे में क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ भी इसके बारे में और जानना हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप जल्दी से मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी फ्रेश न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से आपसे किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।